नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। तो पीसीएस की बायोलॉजी खत्म करने की हमारी दिसंबर तक बात हुई है, तो उसी श्रृंखला में हमने अभी तक प्लांट ट्यूब को पूरा खत्म कर दिया है और एनिमिलिया की आज आठवां जो फाइलम है, एनिमिलिया किंगडम का आठवां फाइलम मोलस्का, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मोलस्का कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी जिनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है, उनको क्या बोलते हैं, मोलस्का। और दूसरी बात, मोलस्का से पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम था और उसकी जो क्लास इंसेक्टा थी वो सबसे बड़ी क्लास थी। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास से नहीं देखी, ऊपर डिस्क्रिप्शन पर लिंक आ रहा, पहले पिछली क्लास से देख के आइए, तब आपको आगे के फाइलम समझ में आएंगे। ठीक, तो मोलस्का कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं, मतलब जो उनकी बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है, मतलब सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो मोलस्का फाइलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ दिस किंगडम, ये एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है, मोलस्का मतलब कोमल शरीर वाले प्राणी और जो मोलस्का फाइलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा फाइलम हम पढ़ चुके हैं, पिछला फाइलम हमारा ऑर्थ्रोपोडा। ठीक, ऑर्थ्रोपोडा पूरा मैंने पढ़ाया आपको, उसकी क्लास आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा हो गया, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोलस्का में पाया जाता है। ठीक, अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सीरेरियस सेल, मतलब जो बॉडी होती है मोलस्का की, जो बॉडी होती है वो कैल्शियम के कवच से क्या होती है, ढकी हुई होती है, कैल्शियम के कवच से कवर्ड होती है। ठीक, और जो ये बॉडी होती है वो कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है, सेगमेंट नहीं होते, अनसेगमेंटेड होती है। और इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, मतलब हेड मतलब सिर, मस्कुलर फुट मतलब पेशीय पाद और विसरल हम्प मतलब अंतरंग ककुद। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, बट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इनमें कैविटी पाई जाती है, मोलस्का में एक कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। ठीक, इस मेंटल कैविटी की अपनी जो खास बात है, जिसको जिसकी वजह से ये खास होती है, वो क्या है, इसमें फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, जो क्लोम होते हैं, जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फेदर लाइक होते हैं, पंख के समान। ठीक है, पंख के समान इनके गिल्स होते हैं, पंख के समान इनके क्लोम होते हैं। और जो ये क्लोम होते हैं, जो फेदर लाइक गिल्स होते हैं, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, मतलब श्वसन और उत्सर्जन, इन दोनों में सहायता करते हैं। ये दोनों क्रियाएं हैं, श्वसन भी आप जानते हैं जिसे सांस लेते हैं, और उत्सर्जन जिससे वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो मेंटल कैविटी जिसमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं, और ये क्या, पंख के समान क्लोम होते हैं, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि माउथ कंटेन्स 5 लाख रैप्सिंग ऑर्गन्स फॉर फीडिंग। ठीक है, तो इनकी, जिनका जो मुख होता है, इनका जो माउथ होता है वो कैसा, फाइल लाइक मतलब रेती के समान रैप्सिंग ऑर्गन पाए जाते हैं, रेती के समान ऑर्गन पाए जाते हैं। और रेती के समान ऑर्गन पाए जाएंगे तो ये किसी भी चीज को क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, खा लेंगे। तो इसलिए इनको, इन ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, जो फाइल लाइक ऑर्गन्स होते हैं, रेती के समान ऑर्गन। ये देखिए रेती, इसका ये बेथ होता है, और ये ऊपर जहाँ पे ऐसे क्रॉस 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 और ऐसे क्रॉस 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 काफी सारे सेक्शंस बने होते हैं, जिसको रेती आपने देखी होगी, जिससे किसी भी चीज को घिस सकते हैं, उसको इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। तो फाइल लाइक रैप्सिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो फीडिंग, खाने के काम आते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेडुला। क्या बोलते हैं, रेडुला, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, फाइल लाइक रैप्सिंग ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडुला। ठीक, इसके बाद ये क्या होते हैं, ओवीपैरस, ओवीपैरस, वीवीपैरस और ओवीवीपैरस की बात हमारी हो चुकी है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली क्लास रिपीट करे, पिछली क्लास जाके देखे, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने बताई दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक जाके देखे, ओवीपैरस, वीवीपैरस और ओवीवीपैरस क्या होता है, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं, ओवीपैरस। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब डिफ्रेंशिएट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट भी मैं दो टाइप का बता चुका हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बैक क्लास आप देखिए, पिछली क्लास जब तक नहीं देखेंगे तब तक आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसके एग्जांपल हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही होते हैं किसी फाइलम के,
पूरे वर्गीकी में, पूरे क्लासिफिकेशन में आपको एग्जाम्पल सबसे ज्यादा ध्यान में रखने हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनको मैं स्टार लगवाता हूँ, क्योंकि आपके पीसीएस के एग्जाम में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल के बेस में कि स्टार फिश क्या होती है, सियर किंग क्या होता है, समुद्री घोड़ा क्या होता है, तमाम चीजें पूछेगा, मॉर्फिन क्या होती है, अफीम क्या होती है, मैंने काफी सारी चीजें पढ़ाएंगे, है ना, घट पर्डी क्या होता है, तो आपसे सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछेगा और एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो एग्जाम्पल एकदम दिमाग से याद करके रखना, टिक करके रखना कि ये एग्जाम्पल इसका होता है, ठीक है, इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो याद रखना, जैसे ऑर्थोपोडा मैंने बताया फर्स्ट लार्जेस्ट, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का वो, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है, ठीक है, तो ये सब, और कॉमन नेम जैसे कि इस फाइलम का ये कॉमन नेम होता है, इस फाइलम का ये कॉमन नेम होता है, ठीक, तो ये आपको याद रखना है, राउंड वर्म किसको बोलते हैं, फ्लैट वर्म किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें एकदम याद रखनी है, क्योंकि बायोलॉजी में सीधे सीधे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा ये क्या है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइला, पाइला मतलब एप्पल स्नेल, सेब घोंगा, सेब घोंगा क्या होता है, सेब घोंगा ये क्या है, मोलस्का, आपसे पूछे स्नेल या सेब घोंगा एप्पल स्नेल क्या है, तो वो क्या बताओगे आप, मोलस्का। कटफिश, कटला, कटल फिश, ठीक, ये जो कटल फिश है ये कई बार एग्जाम्पल में पूछी जा चुकी है, कटल फिश एकदम वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, वो क्या बोलेगा कि इनमें से कौन मछली नहीं है, तीन मछलियां दे देगा और चौथे का नाम क्या रख देगा, कटल फिश, तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि कटल फिश मछली नहीं होती है, आप ये फिश के नाम पे, ये जो फिश है ना, इस फिश के नाम पे आप इसको फिश टिक करके चले आओगे, बट एक्चुअल में ये फिश नहीं होती है, ये क्या होता है, मोलस्का। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि सेपिया या कटल फिश क्या होता है, मोलस्का। इसके बाद एक और मछली का एग्जाम्पल आपके सामने आता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है, डेविल फिश, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, डेविल फिश, बोताल मछली, फिर आप कंफ्यूज हो गए हर बार कि बोताल मछली, यार मछली लिखा है मतलब ये तो मछली है, नहीं एकदम नहीं, बोताल मछली मछली नहीं होती है, बोताल मछली क्या होती है, मोलस्का, ठीक है, ऑक्टोपस क्या होता है, मोलस्का होता है, ये तो एकदम एकदम जो डिक्टो क्वेश्चन होता है वैसे ही आता है कि ऑक्टोपस या बोताल फिश या डेविल फिश क्या होती है, मछली या फिर मोलस्का, तो मोलस्का पे टिक करके आना। अगला है समुद्री खरगोश, सी हेयर, ठीक है, एप्लाइसिया, ठीक है, तो एप्लाइसिया क्या होता है, समुद्री खरगोश, ठीक, तो ये जो दो एग्जांपल है वो बिल्कुल ऐसे एज इट इज पूछ लिए जाएंगे आपसे, एक तो कटल फिश और दूसरी बोताल मछली, कटल फिश और बोताल मछली, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये मछली कतई नहीं है, ये क्या है, मोलस्का। तो इस तरीके से हमारा मोलस्का खत्म हो जाता है, हमने क्या क्या देखा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी जो कवर होती है वो कैल्सियरस सेल से कवर्ड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, फिर भी ये डिवाइडेड होती है तीन पार्ट में, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में, मेंटल कैविटी पाई जाती है जिस इस कैविटी में फेदर लाइक गिल्स होते हैं, पंख के समान क्लोम होते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और माउथ कंटेंट फाइल लाइक एक रेती के समान संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला, जो कि खाने का काम आते हैं, ठीक है, जो कि खाना खाने का काम आते हैं, और एग्जाम्पल जो दो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कटल फिश और बोताल फिश, ये दोनों आपको एज इट इज डिक्टो याद रखने हैं। अब अगले अपने फाइलम पे आते हैं, इकाइनोडर्मेटा हमारा नवा फाइलम है, ठीक, तो इकाइनोडर्मेटा इसको क्या बोलते हैं, सूलयुक्त प्राणी, क्या बोलते हैं, सूलयुक्त प्राणी, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पाइनी होती है, ठीक है, सूलयुक्त होती है, कांटेनुमा होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा या सूलयुक्त प्राणी। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो आंतरिक स्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है, अंतःकंकाल जो होता है, एंडोस्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्सियस ऑसिकल्स का बना होता है, कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल होता है, जो अंतःकंकाल होता है वो कैसा होता है, कैल्शियम युक्त। जो ऑर्गन सिस्टम है ना, लेवल ऑफ ऑर्गन जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का, ठीक है, यहाँ भी हमारा ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, और इकाइनोडर्मेटा में भी हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का, ठीक है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि मैंने सिमेट्री आपको पहली क्लास में बता दी थी, आप जरा पहली क्लास रिकॉल करिए, नहीं देखिए तो एक बार देख के आइए, तो सिमेट्री मैंने बताई थी, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, तो इन इसमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है, तो इसमें क्या है, इसमें दोनों टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। वैसे कोई ऑर्गेनिज्म में जैसे मैं हूँ तो मुझको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मेरी बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक, बट अगर एक ही ऑर्गेनिज्म दो टाइप की सिमेट्री रखता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो कुछ यूनिक हो जाएगा, वो कुछ अलग हो जाएगा। तो जो इकाइनोडर्मेटा के फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा का फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म है
वो क्या, दो टाइप की सिमेट्री रखते हैं। जब वो लार्वा होते हैं तो कैसी सिमेट्री रखते हैं, बायलेटरल, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो कैसी सिमेट्री रखने लगते हैं, रेडियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। मतलब लार्वा स्टेज तो उनकी बायलेटरल सिमेट्री की होती है, और जो एडल्ट स्टेज होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री की। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो फिर माउथ भी होगा और एनस भी होगा। माउथ वो पर्सन जहाँ से वो फूड इनटेक करेंगे, और एनएस वो जहां से वो फीकल मैटर या फिर मल बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जो माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल साइड में होता है, और जो एनस होता है वो अपर डॉर्सल साइड में होता है। वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड ये भी मैं बता चुका हूँ, ये हमारी आगे वाला जो पार्ट है, आगे वाला भाग है। अगर हम दो बॉडी को ऐसे डिवाइड करें ऐसे करके, तो आगे वाला साइड हमारा क्या है, वेंट्रल, और पीछे वाला साइड बैक, जहाँ पे बैकबोन है वो कौन सी साइड है, डॉर्सल। ठीक है, तो वेंट्रल डॉर्सल की बात हमारी हो चुकी है। तो जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनका जो माउथ होता है वो लोअर और वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ, और जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड में ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब वो ऐसे जमीन में चल रहे हैं तो ये इनका कौन सा साइड होगा, वेंट्रल, और ये कौन सा साइड होगा, अपर डॉर्सल। वेंट्रल साइड में इस जगह पे माउथ होगा और इस जगह पे क्या होगा, एनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है वो किसमें हेल्प करता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है इसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसके तीन फंक्शन को परफॉर्म करता है, तीन कार्यों को करता है एक अकेला स्ट्रक्चर। वो क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कई बार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में पूछा जा चुका है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में, चलने फिरने में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को पकड़ने में और इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है। और आखिरी जो कैरेक्टर है वो क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम तीन पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकोमोशन के लिए, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए, और तीसरा क्या, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, उत्सर्जन तंत्र एब्सेंट होता है। ठीक है, पाचन तंत्र तो होता है ना, बट डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है, पाचन तंत्र तो होता है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, एब्सेंट होता है। और पाचन तंत्र होता है वो भी कैसा होता है, कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बता चुका हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन लास्ट क्लास में बात हो चुकी है, और पहले भी मैंने बताया कि एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार मैं बता दूं, लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ये नहीं समझ में आएगा, सब कुछ उड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आपने लास्ट क्लासे नहीं देखी होंगी, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है, हम यहाँ से स्टार्ट हुए और आज हम यहाँ पे पहुँच गए, कल हमारा लास्ट फाइलम, दो फाइलम और बचे हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसके बाद आपका एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा। अगर आपने पोरीफेरा से नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे मोलस्का में या इकाइनोडर्मेटा में नहीं समझ में आने वाला। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है, ये मैंने बता दिया था। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फिर बता देता हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जो फीमेल होती है वो अपने ओवा को वाटर में रिलीज करती है, और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को वाटर में रिलीज करता है, दोनों आपस में कोएगुलेट होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, और इसके बाद क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, और ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, कम से कम मैं क्या बताऊं, 80 बार पूछा जा चुका होगा, तारा मछली, स्टारफिश, एस्ट्रेसिया, एस्टेरियस जो है, स्टारफिश जो है, तारा मछली जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपसे ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन मछली नहीं है। ठीक है, स्टारफिश और तीन मछलियों के नाम दे देगा, तो आपको क्या बताना है कि स्टारफिश मछली नहीं है। फिर या फिर ऐसे कर देगा कि आपको तीन कुछ और दे देगा और एक स्टारफिश दे देगा, बोलेगा कि इसमें कौन सा इकाइनोडर्मेटा है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, तारा मछली क्या है, इकाइनोडर्मेटा, फिश नहीं है। फिश मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, अगली क्लासों में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे याद रखिए, तारा मछली से एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई मछली है। ठीक है, इसके बाद इकिनस या फिर सी अर्किन, समुद्री अर्किन, ये भी क्या होते हैं, इकाइनोडर्मेटा। एंटीडॉन, सी लिली, समुद्री लिली, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, बट सबसे इंपॉर्टेंट तारा मछली है। तो एंटीडॉन क्या है, सी लिली, इसको समुद्री लिली बोलते हैं। और क्यूक्यूमेरिया या सी कुकम्बर, जो क्यूक्यूमेरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, समुद्री करकटी। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका
एस्टेरियस या फिर स्टारफिश या तारा मछली और एंटीडॉन या फिर सी लिली और समुद्री लिली। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बाद अगला जो हमारा फाइलम है वो क्या है? हेमीकॉर्डेटा। तो स्टार्ट करते हैं हेमीकॉर्डेटा से। हेमीकॉर्डेटा क्या होते हैं? वर्म लाइक मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वर्म लाइक होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं, बट क्या होते हैं? मरीन होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं। पहले हेमीकॉर्डेटा को हम लोगों ने हेमीकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में रखा था, एक अलग फाइलम नहीं बनाया था, लेकिन बाद में कुछ वजहों के कारण इसको हेमीकॉर्डेटा हमको अलग करना पड़ा। ठीक है, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो इनकी बॉडी होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, मतलब शुंड, कॉलर और वक्ष, तीन पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, मतलब परिसंचरण तंत्र जो होता है इनका, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, वो कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। ठीक है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ये बात हमारी हो चुकी है पहले ही, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले देख लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में ये बोल रहा हूँ कि पहले पुरानी क्लासों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अगला क्या है? इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है, क्लोम के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड मतलब शुंड ग्रंथियाँ, शुंड ग्रंथियों के थ्रू, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू इनका क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, इसके बाद यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात हमारी हो चुकी है पिछली क्लासों में कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट, ये भी बात हो चुकी है हमारी, दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट और कैसा? इनडायरेक्ट। तो पहले पिछली क्लासे आप अगर समझ पढ़ के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा कई बार पूछा जा चुका है वो क्या है? बेलेनो ग्लासेस, इसको एकदम याद करना है, एकदम याद रखना है। तो बेलेनो ग्लासेस क्या है? इसका मेन एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है इकाइनोडर्मेटा या बेलेनो ग्लासेस में, बेलेनो ग्लासेस किस में आता है या इकाइनोडर्मेटा में, इनमें से कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा का है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बेलेनो ग्लासेस किसका है, तो क्या आप टिक करके आएंगे? हेमीकॉर्डेटा का। ठीक है, तो आप हमने क्या क्या पढ़ा? मोलस्का पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा पढ़ा और क्या पढ़ा? हेमीकॉर्डेट। अब कॉर्डेटा जो है वो अगला हमारा फाइलम होगा और काफ़ी वास्ट फाइलम है, तो कॉर्डेटा को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। और कॉर्डेटा वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसकी दो सब क्लासेस हैं, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा, उसके बाद फिर उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया, एग्नाथोस्ट, वर्टा एग्नाथोस्ट, ये सब हमको नहीं पढ़ना है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। तो जो अगला फाइलम हम लोग पढ़ेंगे वो वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे, या कॉर्डेटा, जिसको बेसिकली कॉर्डेटा बोला जाता है, फाइलम कॉर्डेटा ही है, कॉर्डेटा नाम है उसका। तो कॉर्डेटा पढ़ेंगे और मेन जो पीसीएस के मेन जो क्वेश्चन है वो लगभग कॉर्डेटा से कई पूछे जाते हैं। जैसे ऑर्थ्रोपोडा की मैंने क्लास ली थी, तो ऑर्थ्रोपोडा पूरी एक वास्ट क्लास थी और उसमें ऑर्थ्रोपोडा सिर्फ एक ही फाइलम कवर किया था मैंने, ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैंने कवर किए थे। ऐसे ही जो अगली क्लास होगी हमारी, फाइलम जो अगला फाइलम होगा कॉर्डेटा, उसमें भी करीब 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से फिर आपका पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और देखते रहिए ज्ञानपूर्वक।